हेलो स्टूडेंट्स, आई जहीर अब्बास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील रियल केमिस्ट्री विद जहीर सर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ना चाहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके लिए बहुत ही अच्छी आपको ट्रिक बताई गई थी कार्बोक्सिलिक अम्ल याद करने की। आज हम पढ़ना चाहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। कुछ विधियां पीछे की क्लासों में हम पढ़ चुके हैं, उसमें से एक विधि अपने सामने है एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा, स्टूडेंट आप याद करें, एल्कोहल मतलब 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण यदि अपन पर्पल ऑक्सीकारक जैसे केमेनोफोर की उपस्थिति में करवाते हैं तो उस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। अगर दुर्बल ले ले तो उस कंडीशन में क्या होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अपन ब्रोमीन जल सांद्र HNO3 KMnO4 K2Cr2O7 Ag+ U2+ उन सब में क्या आ चुके। तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री एल्कोहल है, KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक है, तो 2 कार्बन का आप क्या बनाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH+H2। पीछे पढ़ के आ चुके हैं अपन, ये एल्डिहाइड ब्रोमीन जल की उपस्थिति ले सकते हो आप, Ag+ ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो आप, KMnO4 भी ले सकते हो। तो CHO का ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न है। वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न में जब आप अभिक्रिया करवाओगे तो जो C डबल बॉन्ड O और इस साइड में कोई भी समूह जुड़ा हुआ है उसके बीच का आपको उपबंध क्या करना पड़ेगा, हमेशा तोड़ना पड़ेगा। ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट आप कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न की जब अभिक्रिया करवानी होती है, व्युत्पन्न आपको पहले बता के आ गया था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, जैसे एसिल हैलाइड है, एनहाइड्राइड है, एमाइड है, एस्टर है, वो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न है। यहाँ जब भी आप अभिक्रिया करवाओगे तो ये सी डबल बॉन्ड के पास में से आपको क्या करना पड़ेगा, बंधे तोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए सबसे पहले CH3 CH2 ये एस्टर है, इसका नाम है एथिल एसीटेट। पहले भी पढ़ चुके हैं अपन एथिल एसीटेट, या यूपीएससी की बात करेंगे तो एथिल एथेनोएट, ओएट शब्द आता है एस्टर आ जाता है। ये अपने पास एनहाइड्राइड है जिसका नाम था एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी पहले पढ़ चुके हैं अपन। ये स्टूडेंट एमाइड है, सी डबल बॉन्ड NH2 समूह एमाइड का होता है, 2 कार्बन का है, तो आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो एथेनेमाइड है, नहीं तो ये एसिटेमाइड है। एसिटेमाइड कैसे स्टूडेंट, 2 कार्बन का जो अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल से बना हुआ एमाइड क्या है, एसिटेमाइड। ये बात ध्यान दें, सी डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल समूह है और नाइट्रोजन, इधर NH2 भी हो सकता है, N भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर ये समूह आता है तो फिक्स एमाइड है। अब आगे जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे मोस्टली चैप्टर के अंदर एमाइड नाम आता जाएगा। एमाइड की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, कार्बोनिल समूह सी डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन होना चाहिए, इधर दोनों H भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, HR भी हो सकता है, दोनों R भी हो सकते हैं, लेकिन एमाइड के लिए सी डबल बॉन्ड O N का होना जरूरी है। ये एसिटेमाइड है, आईयूपीएसी नेम की बात करें 2 कार्बन का एथेनेमाइड होता है। ये स्टूडेंट एरोमेटिक एस्टर RC2O2+ एस्टर है, नाम इसका एथिल बेंजोएट, एथिल बेंजोएट, ओएट शब्द है एस्टर है। तो ये सब कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न है, अभिक्रिया करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, बंद आपको यहां से तोड़ने सब में सी डबल बॉन्ड O के पास में, तो फिर कार्बन पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस, प्लस माइनस प्लस, नाइट्रोजन पर माइनस, यहां पर भी प्लस और क्या होगा माइनस। इन सब का क्या करवा रहे हैं, जल अपघटन करवा रहे हैं, और जल अपघटन का मतलब जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया देखो जल में H+ होता है, OH क्या होता है माइनस होता है, तो OH- तो इस CD के साथ जुड़ता जाएगा सब में,
और यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ एच, साथ में जो उत्पाद बने वो बनाते जाएंगे। देखते हैं सी एस थ्री सी डबल फोर ओ है, उसके साथ चलेगा क्या जोड़ेंगे ओ एच, तो बना देंगे क्या सी एस थ्री सी डबल ओ एच, सी एस थ्री का सी एस थ्री सी डबल फोर ओ के साथ ओ जुड़ गया है सी एस थ्री सी डबल एच प्लस इधर देखो सी टू एच फाइव ओ बचा है उसके साथ चलेगा एच जोड़ देंगे आप बन जाएगा सी टू एच फाइव ओ एच। ये सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच आपके पास क्या बना है देखें एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि अपन पढ़ रहे हैं। एस्ट्रीगन अभिक्रिया स्टूडेंट पीछे पढ़ के आए थे मैं बताया था इंपोर्टेंट है एस्ट्रीगन अभिक्रिया क्या होती है। एस्ट्रीगन अभिक्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो जल कणों क्या होता है बाहर निकलता है और एस्टर का निर्माण होता है। उसकी जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स है, उसको उल्टा कर दिया एस्टर में जल जोड़ दिया वापस तो क्या क्या बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल यहां पर बनेगा। यहां देखें ध्यान दें इधर ओ जुड़ेगा इधर एच जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा सी एस थ्री सी डब्ल्यू ओ एच, इधर देखेंगे सी एस थ्री सी डब्ल्यू ओ ओ एच जोड़ेंगे तो ये भी ओ एच बन जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से प्रक्रिया करवाते हैं तो दो अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के बन जाएंगे सी एस थ्री सी डब्ल्यू ओ एच, सी एस थ्री सी डब्ल्यू ओ एच जोड़ देंगे इधर के साथ एच आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा अपने पास ये एमाइड है। एक बार फिर यहाँ और जोड़ेंगे तो सी एस थ्री सी ओ एच सी एस थ्री सी डब्ल्यू ओ एच प्लस एन एच टू के साथ जब एच जोड़ेंगे तो क्या बनेगा एन एच थ्री। ये देखेंगे ध्यान दें इसी चैप्टर में अपन जो रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे तो ये पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवा के जब उसको गर्म करेंगे तो उत्पाद एमाइड का निर्माण होगा मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। एमाइड का जल पटन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया के आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो एमाइड का निर्माण होगा। इधर एथिल बेंजोइन क्या है एस्टर है, एस्टर तो यही से बन तोड़ेंगे इधर वो जुड़ जाएगा नीचे बेंजीन है वो तो रहेगी रहेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं ऊपर सी डब्ल्यू ओ एच प्लस C2H5O के साथ H जोड़ेंगे तो बन जाएगा C2H5O एथेनॉल। यहाँ आपके पास ये बेंजोइक अम्ल बना है स्टूडेंट, बेंजोइक अम्ल ये अपने बोर्ड आरबीसी बोर्ड रिवीजन में आया हुआ है कि आप एथिल बेंजोइट से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो एथिल बेंजोइट स्टूडेंट कोई जरूरी नहीं कि हमेशा बेंजोइट या है एथिलेस्टेट भी आ सकता है और कोई भी आ सकता है। तो ओएट मतलब एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा उसका जल अपघटन फॉर्मूला आना चाहिए, उसका जल अपघटन कराएंगे क्या बन जाएगा अपने पास से बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थर्ड टाइप का मेथड है स्टूडेंट्स साइनाइड या नाइट्राइल के जल अपघटन द्वारा, साइनाइड या नाइट्राइल की बात होती है, साइनाइड उसका साधारण नाम होता है और नाइट्राइल आईयूपीएसी नाम होता है, साइनाइड से आप समझ जाते हैं साइनाइड मतलब सीएल उसका जल अपघटन करवाना है। तो यहां देखिए आप आरसीएल साइनाइड सीएल इसको नाइट्राइल बोलते हैं एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल साधारण और आईयूपीएसी नाम है। उसका जल अपघटन आपके सामने दो प्रकार से करवा रखा है, दो नाम लिखे हुए आंशिक जल अपघटन और पूर्ण जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन और पूर्ण जल अपघटन। तो आप देखें आंशिक जल अपघटन जब भी आप साइनाइड का करवाएंगे तो एमाइड बनेगा आपके सामने लिखा हुआ आर सी डबल बॉन्ड एनएच2 एमाइड, और अगर पूर्ण जल अपघटन करा देंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो यहां आप देखेंगे स्टूडेंट्स आंशिक जल अपघटन में जल का एक अणु काम में लिया है, पूर्ण जल अपघटन में दो काम में लिए। जब एग्जाम में साइनाइड देकर के आंशिक जल अपघटन नाम दिया हुआ हो तो ही आपको एमाइड बनाना है। अगर सीधा जल अपघटन नाम लिखा है इसका मतलब उसका पूर्ण जल अपघटन कराना है। ये बात आप नोट करेंगे अपने तरीके से नोट क्या करेंगे कि अगर आंशिक जल अपघटन आ गया तो ही आंशिक जल अपघटन करवाना है, अगर सीधा नाम लिखा हुआ आ गया एरो पर कि जल अपघटन तो फिर आपको उसका पूर्ण जल अपघटन ही करवाना है। और पूर्ण जल अपघटन में किसका निर्माण होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। आरसीएल से आरसीडब्ल्यूएच बना है मतलब साइनाइड की जगह सीडब्ल्यूएच लगता है। इसके लिए हिंट इसकी मैकेनिज्म आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपन करेंगे। इसमें साइनाइड है आर आर सी ट्रिपल बॉन्ड है ये साइनाइड आपका, जल अपघटन करवाएंगे तो जल के साथ अभिक्रिया जल अपना एच प्लस और ओ एच माइनस, एच प्लस और क्या है ओ एच माइनस है। अब ये देखिए अपने पास नाइट्रोजन की उत्तर ज्यादा तो बन जाएगा किसकी तरफ नाइट्रोजन की तरफ, तो समझ लेंगे ये माइनस हो जाएगा ये प्लस से हो जाएगा, जोड़ देंगे इसके साथ जो जुड़ना है आर सी ट्रिपल बॉन्ड की जगह तो जो जाएगा स्टूडेंट डबल
वोल्ट में चला गया, इस कार्बन पे प्लस उसके साथ जोड़ दो OH, तो ये जोड़ दिया अपन ने क्या OH। नाइट्रोजन पे माइनस है तो जल का क्या जोड़ दो H। ये मध्यवर्ती बना है, जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ था डबल बॉन्ड आ गया, तो इसलिए उसमें क्या होगा हाइड्रोजन का पुनर्विन्यास, ये इधर जाएगा और ये आगे चला जाएगा, यहां से निकलने वाला हाइड्रोजन इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा आर सी नीचे डबल बॉन्ड ओ, यहां सिंगल बॉन्ड और NH के साथ ये H और जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा NH। ये स्टूडेंट देखिए आप क्या बनाए एमाइन, क्या बनाए ये एमाइन। ये तो है अपने पास आंशिक जल अपघटन की प्रोसेस, जिसमें जल का एक अणु अपन ने क्या किया काम में लिया है, यदि दूसरा अणु अपन को काम में लेना पड़ जाए तो उस कंडीशन में आप जानते ही नहीं है। अभी अभी अपन पीछे की अभिक्रिया में एमाइन का जल अपघटन करवाया है, एमाइन का जल अपघटन कराया है, यहां से बल टूटेगा जुड़ जाएगा और पास क्या बनेगा अपना आर सी डब्ल्यू एच प्लस NH3। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर आप आंशिक जल अपघटन कराएंगे तो एमाइन बनता है और पूर्ण करवा देंगे तो दो अणु काम में लेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है निर्माण होता है। ये अपन क्या है हिंट है, जिससे आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर अभिक्रिया हुई है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, इसके एग्जाम्पल देखते हैं CH3CH2CN साइनाइड लिखा हुआ और एरो पे ध्यान दें स्टूडेंट, जल अपघटन आंशिक तो नाम नहीं है ना, तो पूर्ण करवाना पड़ेगा, पूर्ण क्या कहता है CN की जगह लगा दो CWH का क्या है आपने देखा है, तो फिर क्या बनाएंगे CH3CH2CWOH+NH3। सेम टू सेम रहेगा CN की जगह CWH, यहां देखिए स्टूडेंट क्या बनाएंगे CH3COOH+NH3। इस प्रकार से आप साइनाइड या जो नाइट्राइड है उसका जल अपघटन करवाते हुए कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करेंगे। कौन सा जल अपघटन कराएंगे आप, जल अपघटन कराएंगे आप पूर्ण जल अपघटन, वो पूर्ण जल अपघटन जब अपने करवाएंगे तो फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, नेक्स्ट स्टूडेंट्स फोर्थ मेथड है अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का 111 ट्राई हेलो एल्केन के क्षार जल अपघटन द्वारा, 111 ट्राई हेलो एल्केन मतलब ट्राई हेलो एल्केन का मतलब अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसमें तीन हेलोजन होंगे, 111 लिखने का मतलब है तीनों के तीनों एक ही कार्बन पे क्या होंगे उपस्थित होंगे, ये ट्राई हेलो एल्केन के क्षार जल अपघटन द्वारा। क्षार जल अपघटन का मतलब है कि जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाए, किसके साथ करवाए जलीय KOH के साथ, पीछे पढ़ चुके हैं अपन तो इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन जलीय KOH के साथ। तीन हेलोजन है तो अणु भी आपको तीन लेने पड़ेंगे, अभिक्रिया हो जाएगी इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, भी इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया इसके अंदर होगी, इसमें Cl की जगह आपको OH लगाना है तो -3KCl, इसमें तीन KCl, इसके तीन K, इसके Cl, तो आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा CH3 का CH3 COH OH और क्या बनेगा, ये स्टूडेंट अपने पास से अस्थाई है, याद है आपको बता चुके हैं हम पहले ही, एक ही कार्बन पे जब दो या दो से अधिक OH समूह आते हैं तो फिर वह अस्थाई होता है और वहां से जल के अणु का निष्कासन होता है, याद होगा आपको जल के अणु का निष्कासन होगा तो -H2 या आप इस प्रकार से H2 यहां से बाहर निकाल देंगे, एक OH ले लेंगे एक H, आपकी मर्जी है कोई भी ले सकते हैं, तो फिर देखेंगे आप CH3COOH तो बन जाएगा अपने पास CH3COOH और H2 यहां से क्या हो गया बाहर निकल गया, तो CH3COOH क्या अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस प्रकार से अपन 111 ट्राई हेलो एल्केन के सारे जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या कर सकते हैं निर्माण कर सकते हैं, पीछे ही अभी अपन करके आ चुके हैं, कोई जरूरी नहीं आप CH3 नहीं, आप CH3CH2H3 भी ले सकते हैं, प्रोपिलीन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है गिनार अभिकर्मक द्वारा, गिनार अभिकर्मक द्वारा ये अभिक्रिया अपने पास इंपोर्टेंट है, गिनार अभिकर्मक द्वारा, अब गिनार अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाए पहले आप ध्यान दें, गिरनार अभिकर्मक से यदि एल्कोहल बनाना है तो क्या करें, याद करें आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे अपन ने कि कार्बोनिल यौगिकों द्वारा कार्बोनिल यौगिकों द्वारा एल्कोहल का संश्लेषण, ये बात से अपन ने एक वीडियो डाल रखा है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया है कि कार्बोनिल यौगिक मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से अपने एल्कोहल कैसे बना सकते हैं, तो फिर देखेंगे
कि गिरना ना विकर्म किया गिरिया एल्डेड और केटोन के साथ करवाकर जलप विद्युत करवाते हैं उसको, तो फिर उस कंडीशन में एल्कोहल का निर्माण होता है। पॉइंट को समझना पड़ेगा। लेकिन यहां गिरनार अभिकर्मक से क्या बनाना चाहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। गिरनार अभिकर्मक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है, ये मतलब एक पंच का कार्य करता है, मतलब पंचायती करता रहता है हर बार। किसी का भी अगर आपको संश्लेषण करना है, किसी भी योगी का संश्लेषण करना है, तो ये तो बोलेगा मेरे से तो करो जरूर, मतलब मैं तो करूंगा बीच में। तो जिस प्रकार से कोई पंच बीच में मतलब हर किसी में काम में अपना पैर मतलब अटैच करवाता रहता है, तो उसी प्रकार से गिरनार अभिकर्मक है, उसके द्वारा आप हर प्रकार के यौगिक का क्या कर सकते हैं, संश्लेषण कर सकते हैं। तो यहाँ गिरनार अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए लिखा हुआ है शुष्क बर्फ के साथ अभिक्रिया कराओ। शुष्क बर्फ, नॉर्मल बर्फ नहीं, नॉर्मल बर्फ तो जल्दी होती है ठोस अवस्था में, ये शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं, ठोस CO2 को। CO2 वैसे गैस होती है, लेकिन यदि उसको ठोस अवस्था में लाया जाए तो उसे कहते हैं अपन क्या, शुष्क बर्फ। तो गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया शुष्क बर्फ के साथ करवाओ, तब जाके कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा, निर्माण होगा। देखते हैं अपन गिरनार अभिकर्मक ले लेते कोई भी CH3 Mg Br, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आर के जी कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस ठोस CO2, तो CO2 कैसे लिख रहा हूं मैं, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, इसी संरचना रेखीय होती है, मतलब अभिक्रिया करवा रहे हैं तब इसको ऊपर लिख दिया, बाकी आप सीधा लिख सकते हो सी डबल बॉन्ड ओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में गिरनार अभिकर्मक में जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो यहां से तोड़ना पड़ता, याद होगा, तो जिसमें कार्बन पे धनावेश और मैग्नीशियम धातु उस पे धनावेश होता है। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट आया है वो इस कार्बन पे क्या करता है, अटैक करेगा और बंद कहां से आ जाएगा, या तो इस पर ले जाओ या इसको ऊपर ले जाओ, दोनों समान है, आपकी मर्जी है, अपने मामले इस तरफ पे ले लिया। तो जो चैन पे डाटा वो देखते हैं, CH3 आपके सामने, CH3 अटैक कर रहा है किस पर, कार्बन पर, करवा देंगे कार्बन पे। ऊपर कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वो है स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। ओ पे बंद जाने के कारण से यहाँ पे कैसा आवेश आ रहा, ऋण आवेश, उसके साथ क्या जोड़ेंगे, Mg Br। ये मध्यवर्ती बना है और हम जानते हैं, ये बता चुके हैं कि जब भी गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया किसी के साथ करवाते हो तो 100% आपको जल अपघटन करवाना होता है। इसका जल अपघटन करवा दो, इसका क्या करवा दें, जल अपघटन। तो जल अपघटन करवाओ H2O, कहां से करवाई, बता रखा है पूरा O और MgBr के बीच करवा दो, तो इधर H जुड़ जाएगा, इधर OH जुड़ जाएगा, तो बना देंगे क्या, CH3 CWO, ये CWO O के साथ H जुड़ जाएगा, CWH प्लस वही साथ में सह उत्पाद MgBr क्या बन जाता है OH। इस प्रकार से आप गिरनार अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं, कैसे, शुष्क बर्फ के साथ अभिक्रिया करवाते हुए। ये एग्जाम में अपने आरबीसी क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गिरनार अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, गिरनार अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो गिरनार अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाओगे आप, ठोस CO2 के साथ अभिक्रिया करते हुए आप बनाएंगे। यहाँ अगर ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, अगर आप यहाँ जैसे वो क्वेश्चन उत्तर था पूछा था कि गिरनार अभिकर्मक से, तो RMgBr ले लो, एक बात एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फिर पूछो वैसे पर्टिकुलर लेना पड़ेगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पर। लास्ट मेथड स्टूडेंट्स, एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। अब एल्किल बेंजीन समझते हैं आप, बेंजीन पर एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है, उसका ऑक्सीकरण करवाना है। तो ये ध्यान देंगे कि एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण पर्पल ऑक्सीकार्बो की उपस्थिति में करवाने पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहां देखेंगे ऑक्सीकरण करवाना है तो ऑक्सीकारक कैसे चाहिए अपन को, पर्पल ऑक्सीकारक चाहिए। ये ध्यान दें कौन कौन से हो सकते हैं, K1O4 K2Cr2O7, मोस्टली आपको K1O4 मिलेगा। इसके लिए मैं नोट लगा के बात लिख रहा हूं, वो आप ध्यान रख लेना कि संपूर्ण एल्किल श्रृंखला CWH में परिवर्तित होती है, बस आप ये तो सीधा तरीका याद रखो।
एल्किल बेंजीन मतलब बेंजीन पर एल्किल समूह जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसका ऑक्सीकरण आप प्रबल ऑक्सीकरण की उपस्थिति में करवाते हैं तो पूरी की पूरी एल्किल श्रृंखला की जगह आपको क्या लगाना है C-WH, चाहे उस एल्किल श्रृंखला में एक कार्बन हो चाहे दो हो चाहे पांच हो चाहे दस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप उस श्रृंखला को हटाओ और उसकी जगह C-WH लगा दो। ये नोट आप याद रखेंगे कि एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकरण की उपस्थिति में करवाने पर संपूर्ण एल्किल समूह बेंजीन, ये तत्त्व ब्यूटिल बेंजीन लिखा हुआ है। ऑक्सीजन करवाने तो ऑक्सीजन करवाते हैं आप बताओ CH3 की जगह क्या लगाए CWOH लगा देंगे तो अपना उत्पाद बनेगा CWOH, ठीक है। क्या नाम है इसका? बेंजोइक अम्ल। यहां देखेंगे इसमें दो कार्बन उससे भी अपन कोई मतलब नहीं है, अपना उत्पाद वही बना रहा है CWOH लगा देंगे आप एक बार फिर अपने पास उत्पाद क्या बन जाएगा बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। यहां देख फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि बेंजीन पर जुड़े एल्किल समूह पर 3 डिग्री बेंजीन पर जुड़ा एल्किल समूह है कितना डिग्री हो 3 डिग्री आप देख सकते हो 3 डिग्री है तो उस कंडीशन में उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अब 3 डिग्री में आप देखेंगे इस कार्बन पर जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो आप आगे लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं, ये ध्यान देंगे आप स्टूडेंट। बाकी की चाहे लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की होती है 10 की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाना आपको CWOH है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।